हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक वीडियो है, अनलॉकिंग की वीडियो है गाइस। तो मैं बता दूं, ओप्पो का A53 जो अभी रिसेंटली अपडेट आया था, तो मैंने उसका प्रैक्टिकल वीडियो नहीं दे पाया था गाइस। तो इसमें देखिए, एक पासवर्ड लगा हुआ है, किसी यूज़र ने इसका पासवर्ड भूल चुके हैं। तो इसके पासवर्ड को कैसे अनलॉक करना है, बहुत ईजी स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल। इससे पहले मैंने वीडियो डाला हुआ था कि कैसे इसको, आपको क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें करनी है, तो वो मैंने प्रैक्टिकल नहीं डाल पाया था वीडियो में। बस आपको डिटेल दिया था कि कहाँ से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, बट ये वीडियो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या जो अनलॉक टूल में यहाँ पे बताया गया था, तो वो इसका रिजल्ट कैसा है, सही है भी कि नहीं है। तो वीडियो को आप लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा। ये A53 मॉडल है। अगर आपको मॉडल मैं चेक करा दूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं, अभी आप थोड़ा सा मॉडल भी देख लें यहाँ पे, सॉफ्टवेयर वर्जन तो देख सकते हैं यहाँ पे, CPH 2127 2127, ये ओप्पो का A53 मॉडल है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो इसको हम बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं अनलॉक, तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे अनलॉक टूल से इसकी अनलॉकिंग करने वाले हैं, बहुत बेबी स्टेप में इसको करने वाले हैं गाइस, एकदम नॉर्मल तरीके से। जो अभी इनका अपडेट आया था, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारे अपडेट यहाँ पे जो कि आपने देखे थे कि ये अनलॉक टूल की तरफ से अपडेट आए थे, मैंने वीडियो भी बनाया था, बट प्रैक्टिकल वीडियो मैंने नहीं दे पाया था गाइस। तो चलिए मैं वही आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल वीडियो देने वाला हूँ। तो फटाफट चलते हैं अपने ओप्पो, जो इसका ब्रांड है, ओप्पो पे चलते हैं। ओप्पो पे चलने के बाद गाइस, सीधा ओप्पो में जाने के बाद अपना मॉडल हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास मॉडल था A53 मॉडल, जैसा कि आप देख सकते हैं A53, ये क्वालकॉम सीपीयू है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं A53 2020। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सारा कुछ, तो मैं हर एक वीडियो आपके सामने भी प्रैक्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कीप डाटा का भी ऑप्शन आ रहा है और फैक्ट्री रिसेट का भी ऑप्शन आ रहा है और FRP का भी आ रहा है। मतलब अगर इसमें आपका FRP स्टार है, 813 है, काम नहीं करता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पर फिलहाल यहाँ पे ADL मेथड है। तो चलिए, फ़ोन को आपको कनेक्ट कैसे करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो पहले तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ोन को वैल्यूम अप डाउन से पहले फ़ोन को कनेक्ट कर देता हूँ गाइस। फ़ोन को फिलहाल पहले पूरे प्रॉपर तरीके से बंद करके फ़ोन को अप डाउन से कनेक्ट कर देना है, फिर हम देखेंगे कि इसमें हमारा ये जो मेथड है काम होता है कि नहीं होता है। सिंपल तरीके से तो मैंने वैल्यूम अप डाउन दबाया और फ़ोन को कनेक्ट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालकॉम पोर्ट अभी बंद करके आ जाएगा गाइस। फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है, तो मैं एक बार डिवाइस मैनेजर में चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये पोर्ट बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, पोर्ट हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली बन के आ चुका है। वैल्यूम अप डाउन आपको दबा के रखना है, ये हमारा पोर्ट बन चुका है। और चलिए, अब सिंपल और सिंपल इसको कर देते हैं फैक्ट्री इरेज। तो यहाँ पे फैक्ट्री इरेज मैंने कर दिया है। अगर इसमें ये वर्केबल टूल होगा तो 100% जॉब डन हो जाएगा, नहीं होगा गाइज तो फिर भी आपको हम देखेंगे यहाँ पे कि काम करता है कि नहीं करता है। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे कर दिया है, वेटिंग फॉर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने फोन को पहले कनेक्ट कर दिया है, ये सारे एरर्स हैं, तो अगर आपने फोन को पहले कनेक्ट कर दिया है तो एक बार फोन को फिर से, अभी वेटिंग फॉर यूज भी जब लिख रहा है, तो गाइस यहाँ पे आपको एक बार बंद करके फोन को फिर से EDL फोन पे कनेक्ट करिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी वेटिंग फॉर यूएस भी यहाँ पे लिख रहा है, तो मैं एक बार फिर से फोन को बंद करूंगा और EDL पे कनेक्ट करूंगा। तो देखिए, मैंने EDL पे फिर से कनेक्ट कर दिया है। मैंने फोन को पहले कनेक्ट कर दिया था तो फोन रीस्टार्ट हो गया था, पर यहाँ पे देख सकते हैं फिर से वेटिंग फॉर प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसीलिए एरर भी आना बहुत जरूरी है, एरर को भी समझना बहुत जरूरी है। तो देख सकते हैं बहुत ही कम समय में यहाँ पे वेटिंग फॉर यूएस भी लिखा, तो आप फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। पहले मतलब आप फोन को कनेक्ट ना करें, नहीं तो आपका फोन रिस्टार्ट हो सकता है। तो देख सकते हैं इसके साथ ये फॉर्मेटिंग और FRP यहाँ पे ओनली फॉर ओनली 1 मिनट 2 सेकंड के अंदर हो चुका है। अब ये फोन हमारा रिस्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन में दिखाता हूँ कि ये हमारा काम हुआ कि नहीं। तो गाइज, ये देख सकते हैं हमारा ये फॉर्मेट वाइप डाटा यहाँ पे हो चुका है, 100% सक्सेस हो चुका है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, UFS चिप लगा हुआ है, इसको ड्रिल करना पड़ता था सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखिए, डाटा केबल से हमारा फ़ोन लगा हुआ है। मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा भी बूट होने में फॉर्मेट हुआ है, तो थोड़ा सा फ़ोन ये लगेगा टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेटली कम्प्लीटली FRP भी लगी है, तो FRP भी इरेज हो जाएगी गाइज। तो चलिए कम्प्लीटली हम यहाँ पे देखेंगे ऑन करके कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा बूट होने में टाइम लगेगा, और जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे
करके पूरा दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये अभी डाटा केबल से हमारा फ़ोन लगा हुआ है और ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है गाइस। अगर आपका इमरजेंसी भी काम नहीं करता, जैसे हम *813# जो डायल करते हैं, अगर ये आपका काम नहीं करता है तो आप यहाँ से भी FRP बहुत ईजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। पर ये काम ये भी 110% कर सकता है। ये मैंने आपके सामने कोड डाला गाइस, ऐसा नहीं कोई फेक वीडियो मैंने बनाया हो, आपके सामने मैंने कोड डाला। पर फिलहाल यहाँ पे भी FRP रिमूव हो चुकी थी और ये चुटकी में जॉब डन हो चुका है गाइस। ये वही फ़ोन है जैसा कि हमने दिखाया आपको। आई होप, ये अभी बहुत ड्रिल करना पड़ता था इसका CPU इसको फॉर्मेट करने के लिए, पर आप बिना ड्रिलिंग के भी इसको काम कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, एक छोटी सी अपडेट वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वही फ़ोन है, अभी भी डाटा केबल से लगा हुआ है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।